सो अब याद रखते हैं कि वो डायग्राम कैसे फिगर आउट करेंगे। तो स्टार्ट करने के पहले एक चीज याद रख लो कि मेरे पाइप का जो ओपन एंड होगा वहां पे हमेशा एंटी नोड बनेगा। डायग्राम में चेक कर लेना, जितने भी डायग्राम बनाए हमने ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा, और जो मेरा क्लोज एंड होगा वहां पे हमेशा नोड बनेगा। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा, ओपन पे एंटी नोड, क्लोज पे नोड। अगर आपने ये एक ट्रिक याद रख लिया तो बाकी सब अपने आप डायग्राम बनते जाएगा। हम चेक करते हैं, देखो क्लोज पाइप लेते हैं, हमने तीन डायग्राम देखे थे, क्लोज में तीन देखे थे, यहीं पे रखता हूँ चाहिए तो मैं रेफरेंस के लिए। क्लोज में तीन देखे थे और ओपन में तीन देखे थे, राइट। सो पहले क्लोज देखते हैं। सबसे पहला जब हमने फंडामेंटल देखा था क्लोज है तो इसको नीचे से क्लोज करना पड़ेगा। और ये हमारा थर्ड, तीन डायग्राम देखे थे हमने, फंडामेंटल फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड। अभी इसके लिए ट्रिक क्या है? सबसे पहले ये तो याद रखना ही हमको कि ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा, क्लोज वाले पे नोड बनेगा। पहले वाले केस में हमको सिर्फ एक एंटी नोड मिलेगा, इसको ऐसे याद रखो। पहले में एक एंटी नोड, दूसरे में दो एंटी नोड, तीसरे में तीन एंटी नोड, बस इतना ज्यादा डायग्राम अपने आप बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है इतने एंटी नोड बनने वाले, तो ओपन एंड पे एंटी नोड बनेगा, पहला एंटी नोड मैंने यहां पे बना दिया। क्लोज एंड पे नोड बनेगा, ये नोड मैंने यहां पे बना दिया, बस इतना ही है इसमें तो। क्योंकि एक ही एंटी नोड है, एक ही नोड है तो और कुछ बनाने का सवाल ही नहीं आता। कनेक्ट कर दिया मैंने ये एंटी नोड, ये नोड, और डायग्राम हो गया। अब लेंथ से कंपेयर कर देंगे हम चाहिए तो उसको। हमारा लैम्डा बाई फोर आया था ये वाला, एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई फोर, राइट। सेकेंड मोड, सेकेंड मोड के केस में दो एंटी नोड आने चाहिए। तो पहले मैं क्या करता हूँ, वही हमारा बेसिक डायग्राम से कंपेयर करता हूँ, ओपन पे नोड, क्लोज पे एंटी नोड। सो यहाँ पे आ जाएगा मेरा नोड, सॉरी एंटी नोड, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा नोड। अब पूरे डायग्राम में मेरे को दो एंटी नोड बनाना, तो मैं उसको ऐसे बनाऊंगा कि वो बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। जैसे यहाँ पे नोड है तो यहाँ पे एक और नोड आना चाहिए, क्योंकि दो एंटी नोड ही है टोटल। ये मेरा दूसरा एंटी नोड इधर आएगा इस पॉइंट पे, क्योंकि दो एंटी नोड आने चाहिए, दो एंटी नोड के बीच में नोड रहेगा, इसलिए नोड भी बना दिया मैंने। तो अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? कुछ नहीं, नोड्स को कनेक्ट करो। ये आपका सेकंड आएगा कुछ ऐसे, बन गया। अभी हम इसको अगर कंपेयर करें एल से, तो ये वाला आना चाहिए था हमारा, एल इज इक्वल टू कितना आया था, 3/4 लैम्ब्डा, डन। लास्ट वन में तीन एंटी नोड आने चाहिए। तो पहले तो एंड पे, ओपन एंड पे एंटी नोड बना दिया मैंने, क्लोज एंड पे नोड बना दिया। अभी मुझे सिर्फ इक्वली एंटी नोड को ये स्प्रेड करना है, ऐसे एक यहाँ पे रहेगा तो एक यहाँ पे रहेगा, बस बीच में नोड बना दिए। समथिंग लाइक दिस बन गया, बस चेक करना है एल कितना आएगा इस केस में। यहाँ पे जो लेंथ होगा दैट विल बी कितना है, एक दो, दो पुरा लो वन वेव लेंथ, और ये 1/4 मतलब भी हो जाएगा 5/4 लैम्ब्डा। देखो ये हो गया हमारा क्लोज के लिए। सो क्लोज के केस में अगर आपने याद रख लिया, अगर आपको तीनों डायग्राम याद है तो बाकी किसी भी मोड आपको डिराइव करने बोला, आपको बोला कि अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट मोड्स फॉर क्लोज पाइप, क्लोज एयर कॉलम, तो आपको सिर्फ डायग्राम याद रखना है। अगर डायग्राम याद रह गया तो ये आपको एल अपने आप उसे फिगर आउट कर लोगे। एल मिल गया तो बाद में करना ही क्या है, एन इज इक्वल टू वी बाई लैमडा, बस लैमडा के फॉर्म में एल को पुट करना है, हो गया क्लोज्ड। अभी हम देखते हैं ओपन के लिए, सेम लॉजिक काम करेगा ओपन में भी, ठीक है। सो हम पहले तीनों केस देख लेते हैं। अब जैसे इसमें हमने देखा था कि 1, 2 एंड 3 एंटी नोड्स, राइट। ओपन के केस में ये रहेगा हमारा 2 एंटी नोड 3 एंटी नोड 4 एंटी नोड्स। अच्छा वैसे मैंने इसको ओपन करना भूल गया, सॉरी, ये हमारा क्लोज हो जाता वरना ये दूसरा एंड भी ओपन कर दिया। हमको पता है कि इतने एंटी नोड हमको कैसे भी इसमें एडजस्ट करने, और उसके लिए वापस ये यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्लोज एंड पे नोड, यहाँ तो क्लोज एंड है ही नहीं,
मतलब सबसे पहले हमको क्या कर देना है, दोनों ओपन एंड पे एंटी नोड बना देना है। दो एंटी नोड है, दो ओपन एंड है, हो गया मेरा डायग्राम खत्म। अब इनके बीच में कहीं ना कहीं एक नोड तो होगा ही, कनेक्ट कर दो। एंटी नोड नोड एंटी नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड, फर्स्ट डायग्राम हो गया। सो ये मेरा कितना आएगा, इसका लेंथ जो होगा कितना वेवलेंथ आ रहा है, इसमें हाफ लूप आ रहा है, मतलब ये हाफ वेवलेंथ हो गया लैम्डा बाई टू, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, तीन एंटी नोड चाहिए। तो पहले एक ओपन एंड पे एंटी नोड, दूसरे ओपन एंड पे एंटी नोड। अभी एक एंटी नोड बच गया, तो ऑब्वियसली इसके बीच में हम डाल लेंगे, तो बीच में जगह बचेगा, वहाँ पे दो नोड्स होंगे और मेरा डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ये पाइप थोड़ा बड़ा बनाने की ज़रूरत थी, ठीक है, समहाउ आई मैनेज। सो यहाँ पे एज वी कैन सी वी हैव वन एंड टू हाफ लूप, दैट इज टू कंप्लीट लूप। सो फॉर दिस केस एल इज इक्वल टू लैम्डा। लास्ट केस फोर एंटी नोड, दो एंटी नोड मैंने दो ओपन एंड पे बना दिए। अब दो और एडजस्ट करने, मुझे एक और दो, यहाँ पे जगह कम पड़ने वाला है, एक और दो, ठीक है। बीच में क्या होंगे, दोनों एंटी नोड्स के बीच में ऑब्वियसली नोड्स होंगे, बस मुझे इनको अब सब कनेक्ट करना है। दैट्स इट, बन गया डायग्राम। सो लास्ट वाले के केस में जैसे कि हमको डायग्राम से दिख रहा है, कितने लूप्स हैं यहाँ पे टोटल, टू कंप्लीट लूप और दो हाफ लूप, दैट इज वन मोर लूप। तो टोटल तीन लूप है हमारे पास। तीन लूप मतलब कितना हो गया, टू लूप इज इक्वल टू वन वेव लेंथ, वी हैव थ्री लूप। तो ये मेरा एक पूरा वेव लेंथ और एक आधा वेव लेंथ, दैट इज 1.5 वेव लेंथ, जिसको हमने लिखा था ऐसे 3/2 वेव लेंथ। देखो आ गया। सो इफ यू रिमेंबर दिस, अगर आपको ये डायग्राम याद है, तो आप लैम्डा फिगर आउट कर लोगे, लैम्डा और एल का रिलेशन, बस अगर इतना हो गया तो बाकी तो सेम फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला में दोनों केसेस में आपको पुट करते जाना है।